उत्तर प्रदेश बरेली से जिला संवाददाता शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता संगठन का एक कार्यक्रम आज कोतवाली क्षेत्र स्थित होटल वसुंधरा हेट्स में संपन्न हुआ। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा महानगर बरेली महिला प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष के रूप में श्रीमती प्रीति सक्सेना का मनोनयन किया गया। इस मौके पर जिला बरेली के मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फैजान शमशी समेत संगठन की सदस्यता लेने वाली पारुल देवल व आंचल सक्सेना तथा ऋतु कश्यप, सोनाली मेहरोत्रा, मंजू सक्सेना, अमीषा कश्यप, नीतू गुप्ता, मनोज सक्सेना, मोहम्मद आसिम तथा सुषमा सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा द्वारा राष्ट्रीय एकता संगठन के माध्यम से सभी धर्म एवं जाति के लोगों की समस्याओं को एकजुट हो समाधान करने के विषय में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि एकता में बहुत ताकत है। यदि हमारे संगठन के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी एक साथ मिलकर चलेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आम जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का आसानी से समाधान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा है, मैं राष्ट्रीय एकता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये राष्ट्रीय संगठन जो आपने बनाया है ये किस तरह कार्य करेगा? ये राष्ट्रीय एकता संगठन जो मैंने बनाया है जनता के लिए बनाया है। तमाम समस्याओं को लेकर जनता से शासन प्रशासन तक उनकी आवाज़ तक पहुँचाने के लिए और जिनको उत्पीड़न हो रहे हैं आज दिन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तो ये राष्ट्रीय एकता संगठन जन जन की आवाज़ बन रहा है, लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। शासन प्रशासन की जो अच्छी नीतियाँ, जैसे किसी के साथ उत्पीड़न होता है, किसी को थाने में सुनवाई नहीं हो, शासन में सुनवाई नहीं हो, सड़कें हैं, व्यवस्थाएँ हैं, स्वास्थ्य विभाग हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा है सही से, वहाँ तक जनता को आवाज़ पहुँचाने, शासन प्रशासन उन तक इलाज करवाने का काम करवा रहे हैं। जो लोग बेसहारा सड़क पे मिलते हैं हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनको वहां तक मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें सर, एक एक क्वेश्चन है सर, हम ये करना है कि जो मनीषा का जो गैंगरेप का जो मामला है सर, उसमें थोड़ा बताइए हमें जो उसके साथ हुआ है। जो उस बेटी के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ और उसके लिए पूरा देश ने दुख जताया है और हम लोग कहते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए किसी बेटी के साथ जो हुआ है। सर, इसे इसे किसे आरोप मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं किसी ने गलती तो की है ना, शासन प्रशासन की थोड़ी चूक हुई है। अगर वो रहते वक्त सुनवाई कर लेते तो आज इस तरह के मनीषा बेटी के साथ। आपका संगठन इस पर भी काम करेगा क्या? बिल्कुल, आवाज़ उठाई है मैंने भी मुख्यमंत्री जी को लिखा है, सारी चीज़ पहुँचाई है कि आप इस तरह की बेटी को अवगत कराएं, मतलब उनको बेटी को न्याय दिलाने का काम करें और सही जांच हो। सुनने में सर ये आया है कि मीडिया को भी वहाँ जाने नहीं दिया गया है। देखिए, मीडिया के साथ वहाँ अभद्रता भी हुई है, पुलिस वालों से भी, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी सत्ता या किसी उसने ये गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। सर, ये परिवार के लिए जो उनकी बेटी का जो अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया, ये कहाँ तक सही था? ये निर्णय शासन प्रशासन से कहाँ तक सही हुआ? ये निर्णय ठीक नहीं था, ये डीएम साहब के आदेश पे किया गया था, गलत किया गया। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच का आदेश दिया है और SIT जांच बैठी है, जांच कर रही है।